हेलो एवरीवन, आज की न्यू वीडियो में आप सभी को खुशामदीद कहेंगे और बताएंगे आपको न्यू फिल्म एक्शन हीरो की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई है और ये फिल्म सिनेमा में क्यों रिलीज नहीं की गई, इस बात का आइडिया भी आपको हो जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। ये कहानी एक सुपरस्टार की है जिसका किरदार आयुष्मान खुराना निभा रहे हैं। फिल्म के हीरो बहुत जद्दोजहद के बाद एक सुपरस्टार बन जाते हैं और एज यूजुअल इनके फैन इनके साथ तस्वीरें बनाने के लिए इनके स्टूडियो पहुंचते हैं। इनके फैन में एक फैन ऐसे भी होते हैं जो कि नेता का भाई दिखाया गया है और काफी देर इंतजार करने के बाद उस फैन को गुस्सा आ जाता है और वो इस इंसान से यानी कि एक्शन हीरो जो दिखाए गए हैं हीरो साहब उनसे बदला लेने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे चले जाते हैं। रास्ते में सुनसान सड़क पे जब इनका आमना सामना होता है तो फाइटिंग के दौरान नेता का छोटा भाई धक्का लगने से मर जाता है। तो जनाब यहीं से स्टार्ट होते हैं हीरो साहब के बुरे दिन यानी कि कहानी का आगाज शुरू हो जाता है। कहते हैं बुरा वक्त बता के नहीं आता, ऐसा ही कुछ दिखाया गया है इस फिल्म में हीरो के साथ। और जब हीरो के साथ ऐसा होता है तो वो डर जाता है और डर के भाग जाता है यूके में। अब मुझे ये समझ नहीं आई जिसने भी भागना होता है छुपना होता है वो लंदन ही क्यों जाते हैं। खैर यूके में जाकर भी इसका बुरा वक्त इसके साथ वफादारी करता है यानी कि बुरा वक्त इसका अभी भी खत्म नहीं होता। वहाँ जिसके पास जाता है उसकी भी मौत हो जाती है और उसका कसूरवार भी ये इंसान यानी कि हमारा एक्शन हीरो बन जाता है। अभी यहाँ हीरो साहब को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि एक कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए वो यूके आता है और वहाँ आकर मजीद कत्ल हो जाते हैं और उसको खदशा होता है कि इसका इल्जाम भी उसके ऊपर ही लगने वाला है। और ऐसा ही होता है, स्टेप बाय स्टेप इस पे बहुत ज्यादा कतल होते हैं और उसका इल्जाम इसी इंसान पे यानी कि हीरो पे लग जाते हैं। अगर कहा जाए कि इसमें कोई लॉजिकल सीन नहीं थे तो ये बात गलत ना होगी। उधर दूसरी जानिब नेता को पता चलता है कि उसके भाई का कतल आयुष्मान खुराना ने यानी कि हमारे हीरो सामने किया है तो वो उसका पीछा करते करते यूके पहुंच जाता है। वहां जाकर हीरो और विलन का जब आमना सामना हो तो बहुत दमदार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विलन को बहुत ही पोलाइट सा दिखाया गया, लाइक उसको देख के लगता ही नहीं कि ये विलन है। खैर इसी तरह हीरो साहब को बहुत से मसाइल से दो चार होना पड़ता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि बॉलीवुड को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ आइटम सॉन्ग या फिर कुछ स्क्रिप्ट ऐसे चुरा कर इस फिल्म में डाल लिया जाए तो फिल्म हिट हो जाएगी। लाइक इसमें कुछ म्यूजिक ऐसा डाला गया है जिसको हम कॉपी कह सकते हैं। अब वो दिन चले गए हैं जब लोग आइटम सॉन्ग देखने के लिए सिनेमा में आया करते थे। इसमें आइटम सॉन्ग को जबरदस्ती इसमें धकेला गया है क्योंकि मुझे लगता है आइटम सॉन्ग की जरूरत है नहीं थी। फिल्म शोले में बसंती को क्यों नचाया गया इस बात की तो समझ आती है, लेकिन इस फिल्म में हमारे हीरो को आयुष्मान खुराना को क्यों नचाया गया वो भी घुंघरू बात की, इस बात की लॉजिक तो समझ नहीं आई। लेकिन ये कह सकते हैं कि कहानी में ट्विस्ट हीरो के नाचने के बाद ही आता है। फिल्म के बारे में ये कहा जाए कि जब इंसान ठीक काम करता है तो उसके साथ गलत हो जाता है और जब वो गलत करता है तो उसके साथ ठीक हो जाता है, यही कुछ ऐसा दिखाया गया है। बहुत सी ट्रेजेडी होती दिखाई गई है इस फिल्म में हीरो के साथ, लेकिन एंड ऑफ टाइम वो अपना माइंड यूज करता है और लॉजिकली प्लान बनाता है जिसकी बदौलत वो न सिर्फ बच जाता है बल्कि वापस इंडिया आके लोगों की नजर में सुपरस्टार बन जाता है। दोस्तों ये थी मुकम्मल कहानी फिल्म एक्शन हीरो की। मजीद ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।